बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डबल एफ यू कुकिंग टीवी में आपको वेलकम। नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने 2 अदद बैंगन लिए हैं। आपको जितने क्वांटिटी में चाहिए आप उतने ले लें। मेरे पास बैंगन छोटे छोटे साइज़ के थे, अगर आपके पास बड़े साइज़ का हो तो एक ले लें इतनी मिकदार के लिए। एक मैंने टमाटर लिया है, थोड़ा सा प्याज लिया है, थोड़ा लहसुन और एक नींबू लिया। ये ऊपर हम निचोड़ेंगे, इसका लिक्विड ना निचोड़ लेंगे। और ये मैंने लिया है हरी मिर्च। इसके सूखे गर्म मसालों में क्या है जी, नमक, मिर्च, हल्दी और साथ में है सूखे धनिया का पाउडर। इसके अलावा अगर आप कोई और मसाला जात ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ मैंने कोई नहीं किया, क्योंकि ये बैंगन असल में खुद गर्म है इसलिए इसकी तासीर गर्म होती है। बहुत ज़्यादा मसाले डालेंगे तो वो और ज़्यादा गर्म हो जाएंगे जी। लोग इसको सीख पर लगाकर, छुरी पर लगाकर आग पर रख देते हैं, उससे क्या होता है इसका बहुत ज़्यादा टेक्सचर जो है वो जल जाता है। जलने की वजह से वो फिर उसमें जलने की करवाहट आती है। अब हम इसको जलाएंगे नहीं, ना ही हम इसको इस तरह से सीख पर बनाएंगे। मैंने सॉस पैन में पानी लिया और मैंने इसको इसमें रख दिया, ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा। इसके ऊपर ये देखे ना जी, मैंने छोटे छोटे से काट लगाए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने ऐसे काट लगाए हैं ताकि इसका जब ये गल जाए ना तो इसका छिलका आसानी से उतरेगा। जब तक इसका छिलका उतरेगा इसको हम ढक देंगे, अच्छे से गल जाएगा तो हम इसका छिलका उतार लेंगे, उसके बाद हम मिलेंगे जी। नाजरीन, ये मेरे बैंगन बन गए हैं। ये बॉयल मैंने होने के लिए रखे थे, अब मैंने इसको ठंडे पानी में रखा है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए ताकि ये हाथ लग सके और ये इसके छिलके उतर सकें। इसके अलावा मैंने अब पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रखा है और इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को हम इसमें थोड़ा सा कलर देंगे, ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन। उसके बाद हम इसमें बाकी मसाला डाल देंगे। इतनी देर तक वो ठंडा हो जाएगा, इसका मसाला तैयार हो जाएगा, जैसे हंडिया का मसाला तैयार होता है। इसका मसाला तैयार होने तक इसको हम पीसेस कर लेंगे, इसके छिलके उतार के, सारे छिलके उतार लिए नाजरीन, छिलके बिल्कुल नहीं ऊपर छोड़ेंगे। अंदर से जितना उसका वाइट वाइट पोर्शन निकलेगा वो हम सारा निकाल लेंगे जी। व्यूवर्स, ये देखें, ये मैंने इसमें टमाटर और जो मैंने थोड़ा सा लिया था ना लहसुन, वो भी मैंने डाल दिया। अब इसके साथ हम डाल देंगे मसाला जात। मसाला जात ऐड करने के बाद इस पर नींबू निचोड़ देंगे हम, ताकि इसका मसाला, इसकी ग्रेवी सारी तैयार हो जाएगी। तो फिर हम इसमें डाल देंगे जी बैंगन डाल देंगे। बैंगन का भरता वैसे बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत सी कंट्रीज में खाया जाता है। ये देखें, ये और ये जनाब देखें, ये मेरे बैंगन सारे निकले हैं। इसको हम कट कट कर लेंगे, क्योंकि ये बॉयल हुए हैं, वैसे ही बहुत अच्छी तरह से मैश हुए हैं। इनको थोड़ा सा कट कट करेंगे तो ये अच्छे से और मिक्स हो जाएंगे, और मसाले में डालकर हम थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखेंगे ताकि ये और अच्छे से तैयार हो जाए। इसके टमाटरों को अच्छे से मिक्स होने के लिए हम इस पर थोड़ी देर इसका ढकना लगा देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए जी। व्यूवर्स, ये हमारी अब तैयार होने को आ गया है बैंगन का भरता। उम्मीद है आपको लाइक हो रहा होगा जी, पसंद आ रहा होगा आपको। उर्दू इंग्लिश के वर्ड्स मिक्स हो के ना बस हमारी लैंग्वेज अजीब सी ही बन गई है जी। व्यूवर्स, ये देखें कितना प्यारा एक सालन भी तैयार हो रहा है और एक सादा सा सादी सी डिश भी है ये। जब लोग लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल करते थे तब आग में, लकड़ी की आग में इसको डाल देते थे, वहाँ पर ये तैयार हो जाता था और वहाँ से उसका निकाल के, उसका छिलका उतार के उसका भरता बनाया जाता था इस तरीके से। आजकल गैस है तो गैस पर वो ज़्यादा जल जाता है, उसकी हीट ज़्यादा होती है। आप उस पर भी बनाना चाहें तो उस पर भी बना सकते हैं, मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा आसान लगता है। मैंने कहा मुझे आसान लगता है तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ जी। ये रेडी हो रहा है, बस इसका थोड़ा सा ऑयल इसका बाहर आए तो फिर हम इसको डिश आउट करने लगे हैं।
व्यूअर्स मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और जो नए आने वाले हैं वो लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आपके सब्सक्राइब से ही मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, और लाइक्स भी ज़रूर किया करें। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो ज़रूर लाइक किया करें, और मुझे कमेंट्स भी बताया करें कि आपको कैसे लगे हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, बाकी सब देख के वीडियो आगे निकाल देते हैं, कमेंट्स नहीं करते। प्लीज़ लाइक में कमेंट्स किया करें। जी ये तैयार हो गया, इसका फ्लेम हम बंद करते हैं और इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना है, इसकी शक्ल इतनी अच्छी बनती है कि जिसको मैं कहती हूँ बैंगन का भर बैंगन नहीं भी पसंद ना, वो भी ये देख कर कहेगा कि मैं इसके साथ खाना खा कर देखता हूँ आज ये कैसी चीज़ है। जी देखिए माशाल्लाह इसका कलर ही कितना प्यारा आ रहा है। इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे हरी धनिए से और हरी मिर्च से। चलें जी, ये मेरी डिश कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, निदेश के लिए अल्लाह हाफिज़।